एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JCC निकेतन पे। और आज हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट्स है, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और अगर वीडियो में आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में जो भी सस्पिशन है, जो भी कन्फ्यूजन है, वहाँ की स्थलाकृति, भूविज्ञान, वहाँ का जलीय क्षेत्र, काफ़ी कुछ जानकारियाँ हासिल करके जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो और भी अदर कॉन्टिनेंट का भी वीडियो आपको बहुत जल्द अपडेट मिल जाएगा। तो एक बार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले विश्व के कॉन्टिनेंट के बारे में जान लेते हैं, विश्व के महाद्वीप के बारे में जान लेते हैं। तो 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है, ठीक है। तो 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा अकॉर्डिंग टू एरिया देख लेंगे तो क्या देख लेंगे, अकॉर्डिंग टू एरिया अगर हम देखते हैं तो इसमें हम ओशिनिया के बारे में पढ़ेंगे या ऑस्ट्रेलिया के बारे में, परंतु 7 कॉन्टिनेंट का अगर हम एरिया देख लेंगे अकॉर्डिंग टू एरिया कि सबसे बड़ा कौन है, तो देखिए सबसे पहले में हमारा आ जाएगा एशिया आ जाएगा सबसे बड़ा है, दूसरा में आ जाएगा अफ्रीका आ जाएगा, तीसरा में आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, चौथा में साउथ अमेरिका आ जाएगा और पांचवा में अंटार्कटिका आ जाएगा और छठा में यूरोप आ जाएगा और सातवां अंतिम है क्या ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो यही सातवां के बारे में हम लोग को पढ़ना है, यही सातवां कॉन्टिनेंट्स जो है इसके बारे में पढ़ना है। बाकी 6 का वीडियो अब आपके चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो, ठीक है। इसमें से सातवां सबसे छोटा महाद्वीप है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए इसको ओशिनिया क्यों कहा, ऑस्ट्रेलिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन इसको संपूर्ण कॉन्टिनेंट को ओशिनिया कहा जाता है। अब एक एक करके इसके बारे में लोकेशन सबसे पहले देख लेते हैं। तो लोकेशन आप देख सकते हैं कि इसके दक्षिण पश्चिम की तरफ हमारा जो है हिंद महासागर है, दक्षिण और पश्चिम की तरफ, और उत्तर और पूर्व की तरफ क्या है, पैसिफिक ओशियन है ना। तो पैसिफिक ओशियन है उत्तर और पूर्व की तरफ, और दक्षिण और पश्चिम की तरफ क्या है, हिंद महासागर है, ठीक है। और इसका लोकेशन आई होप कि पता चल गया होगा। तो हम वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और कुछ जानकारियां हासिल करते हैं। अब देखिए इसका देश के बारे में सबसे पहले जानकारी हासिल करेंगे, तो इसमें से कौन कौन सा कंट्री आता है, उसमें से देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद पापुआंस न्यू गिनी है, पापुआंस न्यू गिनी के बाद इधर एक न्यूजीलैंड आ जाएगा और उसके बाद पॉलिनेशिया आ जाएगा, मेलानेशिया आ जाएगा, माइक्रोनेशिया आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा मुख्य रूप से 3 देश है, पापुआंस न्यू गिनी है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, और बाकी 3 ग्रुप ऑफ कंट्री है। किसका ग्रुप ऑफ कंट्री है, द्वीप का, है ना, द्वीप का, बहुत सारे द्वीप के समूह का देश है और वही है ग्रुप ऑफ कंट्री, ठीक है। चलिए तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में बोलें तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया और इधर आपका नीचे हो गया न्यूजीलैंड, ठीक है। इसका लोकेशन ऑस्ट्रेलिया का एक एक करके बताते हैं। और उसके बाद आप माइक्रोनेशिया हो जाएगा जो फिलीपींस द्वीप के पूरब में है। अब देखिए अगर वर्ल्ड मैप पर देखेंगे, है ना, एक एक करके पहले देख लेते हैं, मेलानेशिया कहाँ है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूरब में है, और अंतिम में पॉलिनेशिया कहाँ है, प्रशांत महासागर में। तो सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में, माइक्रोनेशिया के बारे में। तो माइक्रोनेशिया किसके पूरब में बोला था, फिलीपींस के। तो फिलीपींस देश का लोकेशन देख लेंगे सबसे पहले। फिलीपींस देश एशिया में पड़ता है और एशिया में कहाँ है, प्रशांत महासागर, दक्षिण चीन सागर वाले क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। देखिए ये हमारा फिलीपींस सी है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है फिलीपींस सी है। तो फिलीपींस सी के पूरब में, यानी कि पूरब में जो द्वीपीय देश आएगा वो किस में आएगा, फिलीपींस के पूरब में इस क्षेत्र में जो देश आएगा उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोनेशिया बोलेंगे, ठीक है, माइक्रोनेशिया बोलेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या था, माइक्रोनेशिया के बाद क्या था, मेलानेशिया। तो मेलानेशिया कहाँ है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूरब में स्थित है। अब इंडोनेशिया का लोकेशन थोड़ा देख लेंगे वर्ल्ड मैप पर, तो इंडोनेशिया भी कहाँ स्थित है, तो एशिया में है और आसियान का ग्रुप का देश आता है ना, आसियान में आता है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के पूरब में है और ऑस्ट्रेलिया के भी पूरब में, यानी कि लगभग ये लोकेशन जो है वो किसका हो जाएगा, मेलानेशिया का, है ना, माइक्रोनेशिया हो गया, मेलानेशिया हो गया। अब एक और बचा है पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया का भी लोकेशन देख लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो पॉलिनेशिया का लोकेशन क्या हो जाएगा, तो प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है। तो प्रशांत महासागर के जो मध्य में स्थित देश रहेगा वो किस में आ जाएगा, पॉलिनेशिया में। देखिए अब देखिए 2 हम देख लिए थे, इसमें से हम 2 देख चुके हैं, 2 के बाद तीसरा बचेगा ना, है ना, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और अंतिम में बचा पॉलिनेशिया, है ना। तो ये हो गया पॉलिनेशिया हो गया। तो हम देखिए कितना देश देख चुके हैं, पहला हो गया ऑस्ट्रेलिया देख लिए, यहाँ पापुआंस न्यू गिनी देख लिए, इधर न्यूजीलैंड देख लिए, और उसके बाद क्या देख लिए,
माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया। ठीक है, तो हम ये तीन को द्वीपीय देश का समूह देख लिए और तीन को और भी देश देख लिए। अब देखिए एक एक करके सबके बारे में तहकीकात करेंगे, एक एक करके सबके बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखेंगे और उसके बाद न्यूजीलैंड के बारे में देखेंगे और उसके बाद एक एक करके पॉलिनेशिया, मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया सबके बारे में ठीक है देखेंगे। ठीक है, माइक्रोनेशिया पॉलिनेशिया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम और कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सबसे पहले, तो प्रशांत महासागर में स्थित ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआंस न्यू गिनी के अलावा छोटे छोटे बड़े द्वीप का समूह है। ठीक है, छोटे बड़े द्वीप का समूह है और वो भी एक देश है, उसी में से आता है माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया। ठीक है, तो एक एक करके देखते चलेंगे, है ना। इसमें से ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है और उसके बाद नाउरू सबसे छोटा देश है, और नाउरू सबसे छोटा देश है तो वो कैसा होगा, वही द्वीपीय देश होगा। ऑब्वियसली बात है कि द्वीपीय देश होगा, सबसे छोटा देश होगा। तो इसके अधिकांश द्वीपों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार व प्रवाल कीटों के द्वारा हुआ। अब देखिए ज्वालामुखी के बारे में आप सुने होंगे पहले भी, ठीक है, ज्वालामुखी के बारे में सुने होंगे कि पृथ्वी का तीन पार्ट होता है, पृथ्वी के अंदर इसे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है क्रस्ट है, दूसरा मेंटल है, तीसरा कोर है। ठीक है, पहला क्रस्ट, क्रस्ट जो है वो सॉलिड है और ये जो है वो लिक्विड है, और ये कोर वाला फेज जो है ये लिक्विड ही है लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा हाई हो चुका है यहाँ का कि वो विस्कस फेज में बदल चुका है। विस्कस मतलब लिक्विड ही है, घनत्व ज्यादा है वहां का, इस कारण वो विस्कस फेज में बदल चुका है। अब देखिए ज्वालामुखी का जो उद्गार जो होता है वो मेंटल वाला मैग्मा जब भूपरपट्टी को क्रैक करके बाहर निकल जाता है तो उसी को बोलते हैं ज्वालामुखी का उद्गार। ज्वालामुखी का उद्गार का ढेर सारा रीजन होता है, वो ज्वालामुखी बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे उसके बारे में, है ना, और उसके कारण विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियां का भी निर्माण होगा। तो ये हमारा हो गया ज्वालामुखी उद्गार के कारण। अगला है प्रवाल कीट। तो प्रवाल क्या है, नामे में लिख दिया है कि प्रवाल कीट है ना, तो कीट ही होगा। तो प्रवाल एक प्रकार का जीव है और ये सहजीवी है। ठीक है, सहजीवी है और जब ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है, जैसे घोंघा, सितुआ, नाम सुने होंगे, ये सब का नाम सुने होंगे शायद, तो वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, मोलस्का फाइलम का होता है। और जब ये मरता है प्रवाल जीव जब मरेगा तो इसका खोल वहीं जमा हो जाता है और इस पर फिर नया प्रवाल जीव जन्म ले लेता है, और वही एक एक करके एक प्रवाल जीव मरा, प्रवाल जीव ग्रुप में रहता है, जब इसका डेथ हुआ किसी कारणवश ऊपर से नया प्रवाल जीव उस पर अपना घर बना लिया, फिर और भी बहुत सारा जीव, और ऐसे ही धीरे धीरे करके ये क्या बन जाता है, एक चट्टान की तरह संरचना बन जाता है और समुद्र से बाहर निकल जाता है और यही एक द्वीप के रूप में निर्माण हो जाता है जो है प्रवाल द्वीप। ठीक है, और ये किसका समूह होता है, जुजेनथेलाई एक जीव है और एक होता है समुद्री शैवाल, दोनों का कॉम्बिनेशन रूप है। आप आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, हम मुख्य रूप से ज्वालामुखी कारण निर्मित जीव द्वीप और इसके प्रवाल द्वीप के कारण निर्मित द्वीप के बारे में बात किए, है ना। ज्वालामुखी जब समुद्र में उद्गार होगा तो क्या होगा जी, समुद्र के भूपरपट्टी क्रेक करके बाहर निकला तो बाहर में पानी है, ये ठंडा हो जाएगा और धीरे 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 ज्वालामुखी ये क्या होगा, अस्थल मतलब ये समुद्र के पानी से इसका लेयर ऊपर चला आएगा तो ऊपर जो दिखाई पड़ेगा यही द्वीप के संरचना में होगा। और ये किससे निर्माण हुआ, ज्वालामुखी से निर्माण हुआ ना, तो कैसा द्वीप हो जाएगा, ज्वालामुखी द्वीप हो जाएगा। और ये किससे निर्माण हुआ है, अगला प्रवाल के कीट के जमाव से, तो वो प्रवाल द्वीप कहलाएगा। प्रवाल के कीट के जमाव से जो द्वीप उद्गम होगा वो प्रवाल द्वीप कहलाएगा, ज्वालामुखी के कारण जो द्वीप का उद्गम होगा वो ज्वालामुखी द्वीप कहलाएगा। चलिए थोड़ा सा और हम जानकारियां हासिल करते हैं। सम्मिलित रूप से इस समस्त प्रदेश को ओशिनिया की संज्ञा दी जाती है, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया आते हैं। ठीक है, सम्मिलित रूप से इसे क्या कहा जाता है, ओशिनिया महाद्वीप, जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जे भी हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसको ओशिनिया कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, पापुआंस न्यू गिनी हो जाएगा, है ना, न्यूजीलैंड हो जाएगा, मेलानेशिया हो जाएगा, माइक्रोनेशिया हो जाएगा और पॉलिनेशिया हो जाएगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में और जानकारियां कलेक्ट करते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा देख लेंगे,
तो ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल दिया हुआ है एक एक करके। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया महादेश के ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे और उसके बाद न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ेंगे, वैसे ही माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना क्षेत्रफल है जी, 76,92,024 वर्ग किलोमीटर, 76,92,024 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 भारत का है और इसका कितना है, 76,92,024 वर्ग किलोमीटर ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑब्वियसली बात है भारत से बड़ा ही है ना। अगला है इसका राजधानी कहाँ है जी, तो कैनबरा है, इसका राजधानी कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की। आकार के आधार पर विश्व का छठा बड़ा देश है, देश में बोले तो विश्व के छठा बड़ा देश है, और इससे पहले छह देश कौन सा होगा, तो नंबर वन पर कौन होगा, रूस सबसे बड़ा देश है, दूसरा नंबर पर कौन सा होगा, तो कनाडा हो जाएगा, ठीक है, दूसरा नंबर पर कनाडा हो जाएगा, तीसरा नंबर पर कौन हो जाएगा जी, तो कनाडा के जस्ट नीचे यूएसए हो जाएगा, और चौथा नंबर पर कौन सा हो जाएगा, तो चीन हो जाएगा, और पांचवा नंबर पर कौन सा हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, और छठा पर कौन सा हो जाएगा, छठा पर कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये छह देश है, सबसे बड़ा छह देश में से इसका छठा स्थान आता ऑस्ट्रेलिया का, और बाकी सातवां पर किसका है, हमारा प्यारा भारत, है ना। आई होप कि यहां तक समझ में चला आया होगा आप लोग को। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जनसंख्या यहाँ की काफी कम है। चलिए अब स्थिति, ये स्थित कहाँ है, तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। हम पहले ही बात किए हैं, है ना, हम पहले ही बात किए हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ये देखिए इधर इधर हो गया इसका प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन, और इधर हो गया इसका हिंद महासागर। ये दो साइड हिंद महासागर से घिरा हुआ है, ये दो साइड हिंद महासागर से घिरा हुआ है, और बाकी दो साइड किससे घिरा हुआ है, प्रशांत महासागर से घिरा हुआ। तो इसका जलीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, जलीय क्षेत्र को यहाँ क्या क्या नाम दिया गया है, कौन कौन सा सागर है, कौन कौन सा जल संधि है, कौन कौन सा खाई है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महादेश अथवा द्वीपीय देश की भी संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये द्वीप की तरह द्वीपीय महादेश है, क्योंकि ज्यादातर ये द्वीप में स्थित है, ज्यादातर देश यहाँ का माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, क्या सब द्वीपीय देश है, इस कारण इसको द्वीपीय महादेश की संज्ञा दिया गया है। अब देखिए अभी हम जिसके बारे में बात किए, क्या हम बात किए, स्थल जलीय क्षेत्र और जलीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो जलीय क्षेत्र के बारे में कुछ नाम दिया गया सागर का, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहां से, प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र से। सबसे पहले आपको दो याद होना चाहिए, इधर पूरा प्रशांत महासागर का क्षेत्र है और इधर पूरा हिंद महासागर का क्षेत्र है, है ना। इधर हिंद महासागर पड़ेगा यानी कि दक्षिण और पश्चिम वाला क्षेत्र में, और उत्तर और पूर्व वाला क्षेत्र में आ जाएगा प्रशांत महासागर का क्षेत्र। कोई एरिया यहाँ बाउंड्री नहीं है कि यहाँ दीवार दिया हुआ है, कहीं बाउंड्री नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इस आधार पर याद कर सकते हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा एक एक करके इसका देखते हैं कि इसके जलीय क्षेत्र को क्या कहते हैं। देखिए प्रशांत महासागर के इधर क्या है, तस्मान सागर, ठीक है, एक एक करके देखते चलेंगे। तस्मान सागर के बाद ग्रेट बैरियर रीफ, एक हो गया तस्मान सागर, ग्रेट बैरियर रीफ हो गया, है ना, और उसके बाद यहाँ एक टॉरस जल संधि है, आराफुरा सागर है, कितना हो गया जी, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। हम क्या क्या देख चुके हैं, पहला तस्मान सागर, तस्मान सागर देख लिए हैं, तस्मान सागर के बाद क्या देखें, ग्रेट बैरियर रीफ देख लिए हैं, टॉरस जल संधि देख लिए हैं, और उसके बाद क्या देख लिए, आराफुरा सागर, चार देख लिए ना, क्या क्या हो जाएगा, तस्मान सागर, ग्रेट बैरियर रीफ और टॉरस जल संधि, आराफुरा सागर, तो ये चार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा के बाद क्या हो जाएगा, पांचवा में तिमोर सागर हो जाएगा, पांचवा में क्या हो जाएगा जी, तिमोर सागर हो जाएगा, और ये हिंद महासागर इसको हम नहीं याद करेंगे। छठा में हो जाएगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट, है ना, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट हो जाएगा छठा में, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट हो जाएगा, और सातवा में हो जाएगा वास जल संधि, है ना। जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही एक दो करें, हम बस ये लेकर के एक तरफ से चारों तरफ घूम जाते हैं ताकि हमको अरेंज वे में याद हो जाए कोई भी चीज, लोकेशन कहाँ है, कौन सा प्रशांत महासागर में है, कौन सा हिंद महासागर में है, कौन सा उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में, ऐसे अरेंज वे में याद रहता है तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहता है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट लोकेशन दे देता है, जैसे तस्मान सागर कौन सा क्षेत्र में पड़ता है ना, तो आपको पता रहेगा तब ना कि तस्मान सागर कौन सा क्षेत्र में पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा जी, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो पहले क्या देखें, तस्मान सागर देखें, ग्रेट बैरियर रीफ देखें,
फिर टॉरस जल संधि देखें, उसके बाद क्या देखें, अराफुरा सागर देखें, और उसके बाद तिमोर सागर देखें, नीचे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट देखें, और उसके बाद वास जल संधि देखें, है ना। तो आप चार पांच बार इस तरीके से रिपीट करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तस्मान सागर हो गया, ग्रेट बैरियर रीफ हो गया, टॉरस जल संधि, अराफुरा सागर हो गया, तिमोर सागर हो गया, नीचे में हो गया ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट और वास जल संधि, है ना। तो इतना जलीय क्षेत्र को हम देख चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के, खास करके एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का जलीय क्षेत्र हम देख चुके हैं। अब देखिए जलीय क्षेत्र के बाद हम स्थल की तरफ बढ़ते हैं और फिजिकल मैप को ही अभी हम ध्यान देंगे, मतलब प्रकृति द्वारा निर्मित जो कुछ भू आकृति है उसकी बात करेंगे। और उसमें से सबसे पहले हम देखेंगे क्या, पर्वत क्षेत्र, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का पर्वत देखेंगे और हम सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दिख रहे इजी से। अब देखिए ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी है जो ऑस्ट्रेलिया के पूरब में स्थित है। और ग्रेट डिवाइडिंग इसको एक बैरियर की तरह कार्य करता है, यहाँ प्रतिरोध की तरह, ये सीमा की तरह कार्य करता है, ठीक है। और इसी के देखिए नीचे में थोड़ा सा है, एक और पर्वत श्रेणी है, इसको बोलते हैं स्नाई पर्वत श्रेणी, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी। और नीचे में है यहाँ सिनाई पर्वत श्रेणी, स्नाई पर्वत श्रेणी, ग्रेट बैरियर पर्वत श्रेणी, स्नाई पर्वत श्रेणी। स्नाई पर्वत श्रेणी का ही एक पार्ट है जो विश्व, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची भूमि है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो वो क्या है, माउंट क्योत्सुको, माउंट क्योत्सुको कहा जाता है। अब एक बार आप इसको देख लेंगे तो हम क्या देख लिए, ग्रेट मतलब ग्रेट ऑस्ट्रेलियन पर्वतीय क्षेत्र वाला देख लिए, है ना, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी देख लिए, और उसके बाद हम क्या देख लिए सेकेंड नंबर में, स्नाई पर्वत श्रेणी, दो देख लिए, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी और स्नाई पर्वत श्रेणी, एक एक करके याद रखेंगे। अगला क्या है, गैम्पियस, है ना, गैम्पियंस पर्वत श्रेणी, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी, स्नाई पर्वत श्रेणी, गैम्पियस पर्वत श्रेणी, तीन हम देख चुके हैं। चौथा की तरफ देखिए, बीच वाला है, बीच वाला याद करना है, और नॉर्थ वाले और साउथ वाले अंतिम में, ठीक है, एक एक कर को याद करेंगे इजीली याद हो जाएगा। चौथा का क्या है, रिमार्केबल पर्वत श्रेणी, रिमार्क करते हैं ना जी, रिमार्केबल पर्वत श्रेणी। और पांचवा में देखिए ग्रे पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो पांच हो गया, पांचों को रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा जी, तो ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी, दूसरा क्या हो जाएगी, तो स्नाई पर्वत श्रेणी, और स्नाई पर्वत श्रेणी का ही सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है क्या, माउंट क्योत्सुको, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। क्या हो गया, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी हो गया, और स्नाई पर्वत श्रेणी हो गया, और अगला गैम्पर्स पर्वत श्रेणी हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, फिर रिमार्केबल पर्वत श्रेणी हो गया, फिर क्या हो गया, उसके बाद हो गया ग्रे पर्वत श्रेणी, ठीक है। चलिए फिर से हम एक बार देख लेते हैं, पहला हम क्या था जी, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी, दूसरा में स्नाई पर्वत श्रेणी, और तीसरा में गैम्पियस पर्वत श्रेणी, गैम्पियस पर्वत श्रेणी, और चौथा में क्या देखे थे हम, रिमार्केबल पर्वत श्रेणी। चौथा में क्या देखे थे हम, रिमार्केबल पर्वत श्रेणी, हम साइड में नाम लिखते हैं ताकि आप लोग को इजीली दिख जाए, ठीक है, रिमार्केबल। और पचमा में क्या है जी, ग्रे पर्वत श्रेणी, देख लेंगे ग्रे पर्वत श्रेणी, पचमा में है ग्रे पर्वत श्रेणी, और छठा में है वोरेगो पर्वत श्रेणी, ठीक है, वोरेगो पर्वत श्रेणी। फिर से और सातवां, इसके बाद क्या है, सातवां में ग्रेगरी पर्वत श्रेणी, ग्रेगरी, ग्रे पर्वत श्रेणी, वोरेगो पर्वत श्रेणी, और उसके बाद ग्रेगरी, ग्रे वोरेगो और ग्रेगरी, ये तीनों एक साथ याद हो गया। स्टार्टिंग से याद करेंगे, सबसे पहले ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी, स्नाई पर्वत श्रेणी, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी, स्नाई पर्वत श्रेणी, और गैम्पियस पर्वत श्रेणी, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी, स्नाई पर्वत श्रेणी, गैम्पियस पर्वत श्रेणी, और उसके बाद क्या हो जाएगा जी, उसके बाद रिमार्केबल पर्वत श्रेणी, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी, स्नाई पर्वत श्रेणी, गैम्पियन पर्वत श्रेणी, और उसके बाद रिमार्केबल पर्वत श्रेणी। आपको तीन याद हो गया, उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे अगला तीन, तो ग्रे पर्वत श्रेणी, ग्रे पर्वत श्रेणी, और ग्रे पर्वत श्रेणी के बाद क्या हो जाएगा, वोरेंगो पर्वत श्रेणी, और उसके बाद ग्रेगरी पर्वत श्रेणी। तीन हो गया ना, ग्रे पर्वत श्रेणी, वोरेंगो पर्वत श्रेणी, और उसके बाद ग्रेगरी पर्वत श्रेणी। आप इसको कंटिन्यू रिपीट कीजिएगा तो याद हो जाएगा। अब देखिए मध्य वाले क्षेत्र में दो पर्वत है, मैकडोनाल्ड पर्वत श्रेणी और मासग्रेव पर्वत श्रेणी, ठीक है, मैकडोनाल्ड पर्वत श्रेणी और मासग्रेव पर्वत श्रेणी, क्या बोले, मैकडोनाल्ड पर्वत श्रेणी और मासग्रेव पर्वत श्रेणी। उसका आगे दो और बचा है, स्टारलिंग और डार्लिंग, ठीक है, इजीली याद हो जाएगा, स्टारलिंग पर्वत श्रेणी और डार्लिंग पर्वत श्रेणी। मैकडोनाल्ड पर्वत श्रेणी दो यहाँ हो गया, और मासग्रेव पर्वत श्रेणी और स्टारलिंग और डार्लिंग हो गया, जो दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र में हो गया। तो आई होप पर्वत यहाँ तक क्लियर हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया का पर्वत हम क्लियर कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया का पर्वत क्लियर हो चुका है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं मिटा करके,
एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि क्या हम देखे, सबसे पहले क्या देखे जी, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी और इसके बाद स्नोई पर्वत श्रेणी, ठीक है, स्नोई पर्वत श्रेणी देखे हैं। स्नोई पर्वत श्रेणी का ही सबसे ऊंचा बिंदु है माउंट क्योत्सुको, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची बिंदु है। और स्नोई के बाद क्या देखे हैं, गैम्पियस पर्वत श्रेणी, ठीक है, गैम्पियस पर्वत श्रेणी के बाद क्या देखें, रिमार्केबल पर्वत श्रेणी, रिमार्केबल पर्वत श्रेणी के बाद क्या देखें, ग्रे पर्वत श्रेणी, ठीक है, ग्रे पर्वत श्रेणी के बाद क्या देखें जी, वारेंटो पर्वत श्रेणी, ठीक है, कितना नंबर हुआ, 6 नंबर, ठीक है, वारेंटो पर्वत श्रेणी के बाद क्या देखें जी, ग्रेगरी पर्वत श्रेणी, ठीक है, ग्रेगरी पर्वत श्रेणी यहाँ है, ठीक है, देखते चलेंगे। और उसके बाद दो पर्वत श्रेणी मध्य वाले में, मैकडोनाल्ड पर्वत श्रेणी और मासग्रेव पर्वत श्रेणी, मैकडोनाल्ड पर्वत श्रेणी और मासग्रेव पर्वत श्रेणी, और लास्ट में दो क्या देखे थे, स्टार्लिंग पर्वत श्रेणी और डार्लिंग पर्वत श्रेणी, दो है, क्लियर हो चुका होगा आई होप कि पर्वत, ऑस्ट्रेलिया का पर्वत क्लियर हो चुका होगा। अब कुछ पठार है जिसमें से एक याद कर लेना है, किम्बरली की पठार, किम्बरली पठार यहाँ क्योंकि लोहा निकलता है, लोहा के लिए पॉपुलर जगह है, और केप यॉर्क प्रायद्वीप, ठीक है, क्या बोले, एक पठार एक प्रायद्वीप, केप यॉर्क प्रायद्वीप और किम्बरली पठार। चलिए अब हम देखते हैं मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का, तीसरा हम क्या देखेंगे जी, मरुस्थल, आप लोग कॉपी पर नोट करते चले जाएंगे क्योंकि ये सब इतना हम लिख करके नहीं बता सकते हैं, कॉपी पर नोट करते चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, कॉपी लेकर के बैठेंगे अपने साथ में और इस पर नोट करते चले जाएंगे, एक एटलस लेके साथ में बैठेंगे उस पर टिक करते चले जाएंगे, ठीक है, तो बाद में भी आपको पढ़ने में सुविधा होगा, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं सबसे पहला में क्या है जी, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, और दूसरा में क्या है, गिब्सन मरुस्थल, और अगला है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, और उसके बाद क्या है, सिप्सन मरुस्थल चौथा, और पांचवा में है स्टुअर्ट मरुस्थल। क्या क्या हम देखें, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, है ना, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, है ना, क्या हो गया, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। उसके बाद क्या देखिए, चौथा में सिप्सन मरुस्थल, गिब्सन और सिप्सन, ठीक है, गिब्सन मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया, उसके बाद सिप्सन मरुस्थल, उसके बाद लास्ट में क्या देखें, स्टुअर्ट, स्टुअर्ट मरुस्थल। तो हम यहां तक याद हो चुका होगा, क्या देखें, सबसे पहले, सबसे पहले ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, स्टुअर्ट सिप्सन मरुस्थल और स्टुअर्ट मरुस्थल, है ना। तो एक एक करके आप रिपीट करते रहेंगे, जितना बार रिपीट कर सकते हैं उतना तेजी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या देखे जी, गिब्सन मरुस्थल, सबसे पहले क्या देखे जी, गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल के बाद सॉरी, सबसे पहले क्या देखें, तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल के बाद क्या देखें, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल और सिप्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल और सिप्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल और सिप्सन मरुस्थल, अंतिम में क्या देखें जी, अंतिम में देखें क्या, स्टुअर्ट मरुस्थल, अंतिम में क्या देखें, स्टुअर्ट मरुस्थल। तो एक एक करके आप सभी का नाम लिख देंगे तो आपके लिए ये काफी सुविधाजनक, मैप को समझने के लिए काफी सुविधाजनक होगा, ठीक है, बाकी और भी जानकारियां हम प्राप्त करेंगे। अब देखिए इतना के बाद हम नदी के बारे में भी देखेंगे, तो दो नदियां हैं ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की दो नदी है, ठीक है, मर्रे और डार्लिंग, थोड़ा सा देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, मर्रे और डार्लिंग दो नदियां हैं, उसके अलावा यहाँ ही है मरुबीजी नदी, तो ये दो तीन नदी इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख सकते हैं, मर्रे डार्लिंग इजी में याद हो जाएगा, और यहीं पर घास का मैदान भी है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, जिसमें मेंशंस नहीं है, मर्रे डार्लिंग घास का मैदान भी यहीं पर ही, ठीक है। अब देखिए एक आयर झील है, आयर झील इस कारण टिक करने बोल रहे हैं क्योंकि आयर झील ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु वाला झील है, ठीक है, उसके तली ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु, ऑस्ट्रेलिया का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा था जी, ऑस्ट्रेलिया का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा था जी, तो माउंट क्योत्सुको, कौन सा पर्वत श्रेणी का था, तो ग्रेट बैरियर रीफ का ही था, मतलब पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का जो पर्वत श्रेणी उसी का था, लेकिन उसका नाम क्या था, स्नोई पर्वत श्रेणी, स्नोई पर्वत श्रेणी का भाग था, ठीक है। देखिए बताए हैं यहाँ, स्नोई पर्वत श्रेणी ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी का पूरब में स्थित वाले क्षेत्र, उसी का पार्ट है, ग्रेट डिवाइडिंग का ही पार्ट है। चलिए तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो चुका है सभी का, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो चुका है सभी का। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का और भी कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, तो देखते चलेंगे यहाँ से। पहला क्या है, ऑस्ट्रेलिया का विस्तार पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है, गोलार्ध के बारे में आप लोग जानते होंगे, गोलार्ध, गोलाकार धा, ये देखिए अर्थ हो गया, ये अर्थ हो गया आपका
फिर गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये अर्थ हो गया और बीच में हम लिखे हैं क्या, जीरो डिग्री एक्सिस। जीरो डिग्री एक्सिस के ये चूंकि ऑस्ट्रेलिया कहाँ स्थित है जी, ऑस्ट्रेलिया कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसके बीच से कौन सा रेखा गुजरती है, मकर रेखा, इसको बीचों बीच से काटती है। ठीक है, और मकर रेखा चूंकि बीचों बीच से काटेगी तो मकर रेखा नॉर्थ वाला क्षेत्र क्या आ जाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और साउथ वाला क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय। मतलब ऑस्ट्रेलिया शीतोष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्र में पड़ेगा। ठीक है, चलिए, और ये पूर्णता देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो ये कहाँ पड़ेगा, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। तो और थोड़ा सा आगे देखते हैं, और एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित ऑस्ट्रेलिया की खोज प्रथम प्रयास जेम्स कुक ने किया था। जेम्स कुक एक यूरोपियंस था, ठीक है, और आमतौर पर यूरोप ही सबसे पहले पुनर्जागरण वहां होता है और यूरोप के लोग ही विश्व को ढूंढने के लिए निकलते हैं समुद्री मार्ग से, तो समुद्री मार्ग से मिलता है उसको, जेम्स कुक खोजता है। विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में अराफुरा सागर अभी बताए हैं, कार्पेंट्रियन की खाड़ी, दक्षिण में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, सबके बारे में भी बात कर चुके हैं हम। ठीक है, इसके उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल सागर, और उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर, और दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया को टॉरस जल संधि न्यू गिनी द्वीप से अलग करती है। अभी टॉरस जल संधि के बारे में भी बात किए हैं, और टॉरस जल संधि आपको याद नहीं है तो आप अपने एटलस में खोल करके उसको देख लेंगे, या वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लेंगे, पीछे हम इसके बारे में बताएं। ठीक है, तो न्यू गिनी ऊपर में है, पापुआंस न्यू गिनी ऊपर में है, और नीचे में ये ऑस्ट्रेलिया का ये वाला क्षेत्र जो निकला हुआ है ना, यहीं पर यह टॉरस जल संधि, टॉरस जल संधि आप देख लेंगे उसको एक बार। वही कोरल सागर को अराफुरा सागर से जोड़ती है ना, कोरल सागर को अराफुरा सागर, तो हम क्या बनाए थे अभी, ये पापुआंस न्यू गिनी इस प्रकार से बनाए थे ना, और नीचे से ऑस्ट्रेलिया है ना, इधर अराफुरा सागर हो गया और इधर कोरल सागर हो गया, तो ये किसको जोड़ रही है जी, अराफुरा सागर को कोरल सागर से, कौन सा है, तो टॉरस जल संधि। बास जल संधि कहाँ है जी, तो एक बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि से दक्षिण में तस्मानिया, तस्मानिया एक महा एक द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया का मैप अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से, ठीक है, तो इसे इसके नीचे में एक द्वीप स्थित है, इसको नाम है तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया का ही भाग है, और इसी के बीच में जो एक जल संधि है उसी का नाम है बास जल संधि। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच का जो क्षेत्र है उसी को बास जल संधि बोलते हैं। तस्मानिया द्वीप से अलग करती है इसको, तथा तस्मान सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से और दक्षिण सागर से जोड़ने का कार्य करती है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट ये हो गया और इधर तस्मान सागर हो गया, तो ये दोनों को कनेक्ट करने का कार्य करेगा, और अलग कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि से तस्मानिया को। ठीक है, तो आज हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी प्राप्त किए काफी, और भी इसके बारे में और भी काफी जानकारी प्राप्त करेंगे अगर वीडियो में हमारे साथ आप बने रहेंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल के साथ एक बार जुड़े रहेंगे। ठीक है।